लगता था कि अपनी आवाज की रस्सियों के सहारे चढ़कर आसमान से तारे तोड़कर लाएगा। उसी आवाज की झलकियां देखने को हमें मिलती है। भाई शहनशाह कर्ण बुलबुले बाबूजी ने मौलाना इस्लाम निजामी साहब की माशाल्लाह देख रहे हैं आप कैसा जलवा है। शहनशाह कर्ण इस्लाम निजामी साहब का गुलाम जब पढ़ते हैं आपके बंद करो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई सज्जाद निजामी की सुनेंगे आप कितने लोग सुनेंगे तो हाथ भाग बता तो छोड़ा करीब आ जाइए पीछे बैठे हैं आ जाइए। मैं समझ रहा हूँ आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा मैं करीब बुला रहा हूँ लेकिन इसमें आपका भी फायदा है आने वाले मेहमानों की हौसला अफजाई भी। हाँ हर तरह के मिजाज के लोग होते हैं अपने जाते रहते हैं जो सुनते रहते हैं लोगों की गुफ्तगू हर इंसान अपनी अपनी सोच के इतमाद की गुफ्तगू करता है। बहुत से लोग कहते हैं आप सुभानों का बहुत कहवाते हैं वो लोग कहते हैं जिनको पूरी जिंदगी नेताओं की तारीफ करते हुए सुभानल्लाह कहते हैं बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि सुभानल्लाह के माने हैं अल्लाह की बात है अल्लाह की बात की बोली जाती है अल्लाह की बुलंदी बोली जाती है अल्लाह की बड़ाई की जाती है उनको बड़ी तकलीफ होती है उस बात क्यों इसलिए उनका दिल और दिमाग दुनिया के नेताओं की तारीफ करते करते बिल्कुल काला हो जाता वही लोग अल्लाह अल्लाह के रसूल की तारीफ से दूर भागते हैं वरना सुभानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का तो ऐसा मामला है। मैं एक बात बता दूं कि मुल्क रूप में रूप के पादरी एक मरतबा एक शख्स को बहुत मार रहे थे उसी शहर से सुन्नत मिस्त्री गुजरते हैं कहते हैं इसको क्यों मार रहे हो वो कहते हैं इसको मार मार कर हम पाप कर रहे हैं ताकि मेरे गॉड का नाम लेने के लायक हो जाए। सुन्नत मिस्त्री फरमाते हैं बेवकूफ कहीं के इसको मेरे खुदा का नाम लेना सिखा दे खुद बहुत पाप हो जाएगा। पापा के लिए हमें क्या कहना है सुभान सुभान पूरा पत्र अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह हालांकि यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए मुझे शेर ऐसा इतना अच्छा जी अच्छा लेकिन आप लोगों को देखकर मैं पढ़ देता हूँ पढ़ देता हूँ बल्ड बल्ड इतना किताब मिलेगी कि मदीने का अपनी नसीब में पीला निकल जाए। वाह 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 मैं डर के उनके पहुंचू और दम मेरा निकल जाए मदीने का मेरी तकदीर में पीला निकल जाए मैं डर के उनके पहुंचू और दम मेरा निकल जाए मुझे से दुश्मना ने दीन के भेजा माशाल्लाह जलसे में बहुत बोलता था सुभानल्लाह लेकिन उसने कहा यार मेरी बोलने की आदत है अब मेरे मुंह में पान है इसको घुटकर वो लग के रख लेते हैं वो नहीं बात है तो पीछे वाले ने कहा आगे वाले की जेब में डाल दे बात तू कह रहे क्या तू पिटवाएगा मुझे तू बोला क्यों पिटेगा उसको खबर होगी तो मारेगा नहीं बोले मैंने तेरी जेब में 3 मरतबा गुटका डाला तुझे खबर होगी क्या समझ रहे ना तो बेहतर यह है कि महफिलों के कुछ आदाब होते हैं और सुकून के साथ बैठा करें सुभान अल्लाह अगर उनमें कुछ है आदतन तो दिल ही दिल में हल्का सा मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोल दिया करें तो मुकर्रर मुकम्मल आपको सवाब मिल ही जाएगा। इशारा मत किया करें किसी की तरफ क्या बात कर रहे हैं पहले अपने आप को देखकर तनहाई में समझाया करें किसी को ये इस बात को बहुत कंट्रोल रखा करे गुफ्तगू नहीं है। अब आइए हजरात इस्लाम निजामी साहब की आमद हो रही है वक्त बहुत कम है अपने हाथों को उठाकर खैर मकदम नारे बतूर इशारत की फिजाओं में कर ले माशाल्लाह ये घाटा है पीछे रहने वालों के लिए वो बोल ही नहीं रहे सुभान अल्लाह अगर आगे होते तो सुभान अल्लाह कम से कम इन लोगों को देखकर बोलते तो सवाब तो मिलता रहता उनको भी 10 साल
پیچھے تک اپنے ہاتھ اٹھا کر بول دے بہت پرانے دوست ہیں لیکن اتفاق کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ان کو سننے کا موقع مجھے ملا اس لیے شعر کہتا ہوں کہ ہم بھی تو دیکھیں تیرا قرض وفا کیا ہے جس پہ مرتا ہے زمانہ وہ ادا کیا ہے